सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के लिए अध्याय 6 जैव प्रक्रम को शुरू करेंगे और इसको विस्तार पूर्वक आने वाले वीडियोस में देखेंगे। कक्षा 9 में हमने देखा है सजीव और निर्जीव। तो सजीव क्या होते हैं? तो सभी बोलेंगे जिनमें गति होती है वे सजीव कहलाते हैं। तो गति तो मोटर गाड़ियों में पंखे में भी होती है, क्या वे सजीव है? या कोई जीव या जानवर कोई जो सोया हुआ है तो क्या उसे निर्जीव कह सकते हैं? नहीं, वो सजीव होगा। या पेड़ पौधे जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं अर्थात उनमें गति नहीं होती तो क्या वे निर्जीव हैं? नहीं, वे सजीव होते हैं। तो सजीव वे होते हैं जिनमें जैव प्रक्रम होता है या जैविक क्रियाएं होती हैं। अब जैविक क्रियाएं बहुत सी होती हैं जो जीवों को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवों के शरीर को लगातार चलाने वाली सभी प्रक्रियाएं जो लगातार जीवन पर्यंत चलती रहती हैं जब तक कि वह जीवित रहता है, या इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये सभी प्रक्रम जीव के शरीर को चलाते हैं, संचालित करते हैं, उसे जीवित बनाए रखते हैं। जीवों के शरीर में बहुत सी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वे पौधे हों या जंतु हों। उनके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक क्रियाएं होती हैं, जिनमें कुछ का मैं नाम लूंगा, जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, जो इसी अध्याय में हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। इसी प्रकार पौधों में भी अनेक जैविक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम की उपस्थिति में उनका पाचन करता है और पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करता है। एक बार फिर दोहराऊंगा मैं, किसी भी जीव को अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वह पोषण करता है अर्थात पोषक पदार्थों को या भोजन को ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद जीव के शरीर के अंदर उसका पाचन किया जाता है एंजाइम की उपस्थिति में। ये है मनुष्य का पाचन तंत्र जिसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मनुष्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करता है और इस भोजन का संचय आमाशय में होता है और आमाशय से आंत में पहुंचता है ये भोजन, और आंत में पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है और अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस भोजन का पाचन जिसको हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन एंजाइम की उपस्थिति में होता है, पचित और अपचित भोज्य पदार्थ में वो टूट जाता है। पचित भोज्य पदार्थों का आंत के अंदर अवशोषण होता है जो हमारे शरीर में सारे शरीर में वितरित कर दिए जाते हैं। जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा सारे शरीर में वितरित कर दिए जाते हैं। तो अगले तंत्र की हम चर्चा करेंगे, परिवहन तंत्र, जिसका मुख्य केंद्र हृदय होता है और हृदय से सारे शरीर में रक्त पंप किया जाता है और सारे शरीर का रक्त हमारे हृदय में आता है। तो इस रक्त के परिवहन के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थ भी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पचित भोज्य पदार्थ जो आंतों की दीवारों के द्वारा अवशोषित किया गया था वो रक्त के साथ हृदय से होते हुए सारे शरीर में भेज दिया जाता है, क्योंकि सारे शरीर में भेजने के बाद कोशिकाओं में ये भोज्य पदार्थों का पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और जिस तंत्र के द्वारा इन पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। और पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यदि मनुष्य की बात करें तो श्वसन क्रिया के लिए पचित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन किस प्रकार ग्रहण करता है इस तंत्र में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे आगे। तो ये मनुष्य का श्वसन तंत्र का चित्र आपको दिखाया गया है, नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करता है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों के वायु कोश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से रक्त इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके हृदय से होता हुआ सारे शरीर में वितरित कर देता है, जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही पचित भोज्य पदार्थों का कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण करता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहली प्रक्रिया पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करना,
भोजन का पाचन, फिर अवशोषण, फिर भोजन का परिवहन किया, और भोजन के परिवहन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, तो ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन भी ग्रहण की, और इस ऑक्सीजन के ग्रहण करने के बाद रक्त के साथ ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के बाद जब ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है तो इसके द्वारा पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन क्रिया हुई तो उसमें ऑक्सीजन के द्वारा पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ। इस उपापचयी क्रियाओं के बाद कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और हमारे शरीर में इसके अलावा भी अन्य उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसे हम उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो इन उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया मुख्य रूप से। तो ये बनने वाली यूरिया रक्त के साथ हृदय से होती हुई ब्रक तक पहुंचती है। ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये ब्रक बने हुए हैं, दोनों तरफ होते हैं हमारे शरीर के। उदर गुहा के निचले भाग में दो ब्रक पाए जाते हैं। इन ब्रक में रक्त उन उत्सर्जी पदार्थों को भेज देता है, या ये कह सकते हैं रक्त के साथ ये उत्सर्जी पदार्थ इन ब्रक के अंदर आ जाते हैं, और इन ब्रक के अंदर इन उत्सर्जी पदार्थों को मुख्य रूप से यूरिया को छाना जाता है, और छनने के बाद ये यूरिया इन दोनों नलिकाओं के द्वारा, जिन्हें मूत्र वाहिनी कहते हैं, और मूत्राशय में एकत्रित हो जाती है। तो इस तरह से ये उत्सर्जी पदार्थ मूत्राशय में एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र को हमने अभी बहुत छोटे रूप में देखा, और इन सभी तंत्रों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे अब आने वाले वीडियोस में। तो इस तरह से आपने जैव प्रक्रम को अभी समझा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और दावा करता हूं इस अध्याय के आपने सारे वीडियोस देख लिए तो आपको कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे के सारे चैप्टर की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छी तरह से। बस थोड़ा सा घर पे आप अभ्यास करेंगे, चित्रों को बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ने पर आप कमेंट्स में मुझे लिख के पूछ भी सकते हैं कहां परेशानी आ रही है, कहां क्या आपको समस्या है, तो उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।